हमारे भारतीय शिक्षण मंडल के रिकॉर्डिंग इन प्रोग्रेस 6 प्रमुख उत्सव है, जिनमें से मातृभाषा दिवस यह एक उत्सव है। प्रारंभ तो यहाँ से होता है कि अपन चैत्र पूर्णिमा, चैत्र शुद्ध प्रतिपदा को, वर्ष प्रतिपदा को हिंदू नववर्ष मनाते हैं, वहाँ से शुरू करके जो 6 हमारे प्रमुख उत्सव सारे भारत में सभी भारतीय शिक्षण मंडल की इकाइयों को अवश्य जिनको मनाना चाहिए, जिनका आयोजन करना चाहिए, उनमें से एक अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस है। और सारे देश में हम सब लोग बोलेंगे इस विषय पर, तो हो सकता है व्यक्तिगत मतभिन्नता हो, प्रचलित बातें अलग अलग प्रकार की हो, किंतु एक प्रकार का विषय सब जगह जाए, इसलिए ये वक्ता मंथन की परंपरा अपन ने प्रारंभ की है। उसमें कोई मतलब अत्यंत उपयोगी ऐसी परंपरा है। पराक्रम दिवस पे भी अपन ने देखा कि इस वक्ता मंथन का कार्यक्रम होने के कारण सुभाष बाबू के जीवन को किस दृष्टिकोण से, किस प्रकार से रखना, इसका हमको ये मिला था। सो इट इज़ ए गुड बिगिनिंग दैट वी हैव बीन डूइंग that resource person get ready, discuss amongst themselves and decide what are the topics which can be put in during this celebration. So this is one of the important celebrations. इस PPT के माध्यम से जो विषय आपके सामने रखे जाएंगे वो 6 मुख्य विषय है, जिनको अपने को क्रम यही रहे, आगे पीछे रहे, लेकिन ये 6 बिंदु सारे वक्ताओं को पता होने चाहिए। जहाँ जैसे श्रोता होंगे, जिस प्रकार की परिस्थिति होगी, उसके अनुसार 6 के 6 या 6 में से कुछ, 6 में से ऐसा अपन उसका चयन कर सकते हैं अपने अपने हिसाब से। सबसे पहली बात तो ये है कि हमको ये सोचना चाहिए कि मातृभाषा दिवस पे का प्रारंभ कैसे हुआ। तो इसलिए वो पृष्ठभूमि आदि, और अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस ये कोई भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में मनाया जाता है, तो उसकी पृष्ठभूमि हमको पता हो। फिर ये केवल भारत की विशेष भारतीय भाषाओं की बात नहीं है, तो ये सारे ही विश्व का विषय है, इसलिए विश्व में भाषाओं की क्या स्थिति है इसको देखना चाहिए। फिर मातृभाषा में शिक्षा, ये अपना मेन उद्देश्य है, जिसको लेकर के भारतीय शिक्षण मंडल अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाता है। यूनेस्को ने उसको क्यों अपनाया वो अपन पृष्ठभूमि में देखेंगे, तो अपने को पता चलेगा कि उसका विषय अलग था, लेकिन हमारा विषय जो है शिक्षण मंडल में, वह मुख्य विषय है कि शिक्षा मातृभाषा में होना चाहिए, तो उसका विकास से क्या संबंध है, दैट विल बी द थर्ड पॉइंट। चौथा बिंदु अभी हमारे लिए अभी महत्वपूर्ण ये है कि शिक्षा नीति ने उस दृष्टि से महत्वपूर्ण बात प्रारंभ की है, तो शिक्षा नीति का विषय भी उसमें अपने को देखना पड़ेगा। और पांचवा विषय, सारे विश्व भर में और खास करके यूरोपियन देशों में बहुत बड़े प्रमाण में इसके ऊपर वैज्ञानिक अनुसंधान हुआ है। अगर आप केवल गूगल स्कॉलर या एकेडेमिया या रिसर्च गेट जैसे किसी भी शोध पत्र जहाँ पर होते हैं, संभवतः सबको ये नाम ध्यान होंगे, जिनको शोध के लिए या रिसर्च को फॉलो करना होता है, वो गूगल सर्च नहीं करते, वो गूगल स्कॉलर में जाते हैं, scholar.google.com, और उसमें जाकर के सर्च करते हैं तो आपको रिसर्च पेपर मिलते हैं, या फिर रिसर्च गेट नाम की एक साइट है जिसके ऊपर अनेक प्रकार के रिसर्च पेपर्स होते हैं, या academia.edu नाम की साइट है। तो उन साइट पे जाकर के आप लैंग्वेज के बारे में यदि डालोगे, लैंग्वेज एंड लर्निंग, या फिर लैंग्वेज एंड ब्रेन, न्यूरोलॉजी ऑफ लैंग्वेज, इस प्रकार के विभिन्न कीवर्ड्स यदि आप डालोगे तो आपको लाखों की संख्या में रिसर्च पेपर मिलेंगे। इतना अधिक सारे विश्व में शोध इस बात पर वैज्ञानिक दृष्टि से हो रहा है, और वो शोध भी मातृभाषा में शिक्षा को सपोर्ट करता है। अपन उसके बारे में कुछ छोटी 2-4 बातें देखेंगे, ज़्यादा तो सारे रिसर्च पेपर का जिस देना यहाँ उपयुक्त तो भी नहीं है, किंतु भारतीय शिक्षण मंडल के वक्ता होने के नाते हमसे अपेक्षा होगी कि हम उनमें से कुछ का अध्ययन करके रखें, ताकि अपने को दोनों पक्ष पता हो। दोनों प्रकार के रिसर्च पेपर मिलेंगे जो मातृभाषा को सपोर्ट करने वाले, विरोध करने वाले भी मिल सकते हैं, लेकिन वो जानकारी अपने पास दोनों होनी चाहिए।
तो ये बात अपने को ध्यान में रखनी है। और अंत में छठे बिंदु में करणीय बिंदु भी हमारे इसमें आने चाहिए। फ्रेमवर्क फॉर एक्शन हमेशा हम बताते क्या करना चाहिए। कृति संकल्प से ही, जैसे शिक्षक स्वाध्याय में भी हम समापन करते हैं तो कृति संकल्प से करते हैं, इस वैसे ही हमारे लिए हर विषय में वक्ता जहाँ पर भी जाए या चर्चात्मक कार्यक्रम भी हो तो उस कार्यक्रम के अंत में करणीय बिंदु निकालना सबके अंदर से यह आवश्यक है। किसी ने कल पूछा था कि वक्ता होना आवश्यक है क्या? वक्ता नहीं, चर्चा का भी संचालन, सूत्र संचालन किया जा सकता है, लेकिन उसमें भी आने के लिए अपने पास बिंदु चाहिए ना। लोग जब बोलेंगे तब, लोग जब अंग्रेजी की वकालत करेंगे, लोग कहेंगे अंग्रेजी में ही विकास होता है, अंग्रेजी से ज़्यादा अच्छी नौकरियाँ मिलती है, ऐसे जब सारे संदर्भ आएंगे चर्चा में तो अपने पास साइंटिफिक नॉलेज होगा तभी हम उत्तर दे पाएंगे। जैसा कि मैंने बताया कि भारतीय शिक्षण मंडल के ये राष्ट्रीय उत्सव है 6, और हिंदू नववर्ष से शुरू करके इसलिए लिखा है कि वो क्रमशः अपने वर्ष भारतीय वर्ष में कैसे आते हैं वो उस क्रम से यहाँ लिखे हुए। उसमें जो भारत माता दिवस है वो 15 अगस्त को भी मना सकते हैं या कभी कभी उसके अतिरिक्त भी अपन उसको मनाने का कई स्थानों पर, 15 अगस्त को तो बहुत सारे कार्यक्रम होते हैं तो अपना नहीं हो पाता है, तो उसके आगे पीछे भी कर सकते हैं, सप्ताह भी कर सकते हैं, कभी उसको 31 दिसंबर के साथ भी जोड़ देते हैं ताकि उस दिन तमाशा होता है, गंदगी होती है, उसके जगह पर भारत माता का पूजन हो, सार्वजनिक स्थान पर भारत माता पर पुष्पांजलि हो, वर्ष भर में जो वीर गति को प्राप्त किए उन जवानों को हम उस दिन श्रद्धांजलि अर्पित करें, ऐसा कुछ लेकर के उस नववर्ष वाला जो अंग्रेजी नववर्ष वाला है उसको भी अलग दिशा देना विकृति के स्थान पर, उसके लिए भी भारत माता पूजन कुछ प्रांतों में किया गया। तो वो स्वतंत्रता है, लेकिन सामान्यतः जब प्रारंभ हुआ था तो 15 अगस्त पर करने की बात होती थी। 14 तारीख को अखंड भारत स्मृति दिन संघ के विभिन्न संगठनों द्वारा मनाया जाता है, तो हमने कहा कि उसी का स्वरूप के रूप में 15 तारीख को हम भारत माता पूजन सब जगह पर कराए अपने अपने कार्यकर्ताओं के साथ में। यह वसंत पंचमी और मातृभाषा दिवस वो 6 के 6 लिखे हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं, आप पढ़ सकते हैं सभी लोग। अपना भारतीय शिक्षण मंडल में मातृभाषा दिवस लेने का उद्देश्य यह है, शिक्षा जो है वह भारतीय भाषाओं में होनी चाहिए। यह जो अपनी एक बहुत वर्षों से जो प्रारंभ से ही मांग थी भारतीय शिक्षण मंडल के अनेक बिंदुओं में से महत्वपूर्ण बिंदु जो था और उसका आधार है, यहाँ पर अपन ने शांति निकेतन के संस्थापक रविंद्रनाथ ठाकुर जी का एक छोटा सा वचन लिया है और उन्होंने बताया है कि विज्ञान की शिक्षा भी मातृभाषा में दी जाएगी तो ज़्यादा समझ में आएगी। हम सब लोग जानते हैं, अनेक ऐसे विद्यार्थियों को हम जानते हैं 8वीं 9वीं 10वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को जिनको गणित में कम मार्क्स मिले, बाद में जब पता किया तो गणित तो बहुत अच्छा था, फिर गणित अच्छा था तो फिर गणित में कम अंक क्यों आ रहे हैं, तो पता चला कि गणित जब अंग्रेजी में बताया जाता था तो वो भाषा उनको समझ में नहीं आती थी। तो इसलिए फिर हमारी घर में हुआ, मेरे भतीजे के साथ ऐसा हुआ, 8वीं 9वीं में उसको गणित में कम अंक आने लगे, मैंने थोड़े देर उससे बात की तो मेरे को समझ में आया समस्या गणित की नहीं, समस्या भाषा की है, गणित की भाषा समझ में नहीं आ रही, समझ में आ जाए उसके बाद तो सुलझा लेता है गणित को। तो मैंने उसके पिता को यानी मेरे छोटे भाई को बताया कि इसको आप गणित की ट्यूशन अंग्रेजी की ट्यूशन लगाओ। उसने कहा यह बचपन से अंग्रेजी माध्यम से पढ़ रहा है। मैंने कहा इसीलिए अंग्रेजी के ट्यूशन की आवश्यकता है, जो बचपन से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ते हैं उनकी अंग्रेजी और कमज़ोर होती है, क्योंकि वो अंग्रेजी बोलना तो समझ जाते हैं लेकिन उसका जो व्याकरण है वो नहीं समझते। तो मैंने उनको सुझाव दिया कि मराठी माध्यम के विद्यालय में अंग्रेजी पढ़ाने वाली किसी शिक्षक या शिक्षिका को ढूंढ करके उनके द्वारा उसको मार्गदर्शन दिलाया जाए तो उसकी अंग्रेजी ठीक हो जाएगी। इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश पढ़ाने वाला नहीं चलेगा, भारतीय जो अंग्रेजी पढ़ाते हैं वो ज़्यादा अच्छे से पढ़ाते हैं। और वो उसने प्रयोग किया तो आज वो इंजीनियर बन करके इंजीनियरिंग करके नौकरी कर रहा है। गणित तो उसका ठीक था, भाषा गड़बड़ थी। ये भारत के सबकी स्थिति है। 10वीं कक्षा में जो बच्चे अनुत्तीर्ण होते हैं, फेल होते हैं, उसमें से 90% बच्चे यह अंग्रेजी भाषा में फेल होते हैं भारत में। यह हमारी स्थिति है, इसलिए मातृभाषा में शिक्षा ही हमारी एक मुख्य मांग थी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जिसको अच्छे से स्वीकार भी किया गया है। इसका जो प्रारंभ हुआ था वो प्रारंभ 1952 में 21 फरवरी को एक घटना घटी थी। 1947 में भारत का विभाजन हुआ और भारत का विभाजन भारत और पाकिस्तान के रूप में हुआ था। उस समय
जो पूर्वी पाकिस्तान था, जिसको आजकल हम बांग्लादेश के रूप में जानते हैं, वो पूर्वी पाकिस्तान पाकिस्तान का अंग था, पश्चिमी पाकिस्तान और पूर्वी पाकिस्तान दोनों थे। तो पश्चिमी पाकिस्तान चूंकि अधिक शक्तिशाली था और वहाँ के जो पठान और जो पंजाबी मुसलमान थे उनका बोलबाला अधिक था, तो 1950 में पाकिस्तान में और कायदे आज़म जिन्ना के नेतृत्व में उन्होंने उर्दू को उनकी सरकारी भाषा बना दिया। और पूर्वी पाकिस्तान में जो आज बांग्लादेश कहा जाता है उसमें आज भी मुसलमानों में भी बांग्ला ही मातृभाषा और बांग्ला में ही बात होती है। और इसलिए जो बांग्लादेशी मुसलमान भारत में घुसपैठ करके आते हैं वो भी बांग्ला ही बोलते हैं, उर्दू मिश्रित बांग्ला बोलते हैं, जौल नहीं बोलेंगे, जौल की जगह पानी बोलेंगे, उससे वो समझ में आता है कि वो मुसलमान बांग्लादेशी है, पश्चिमी बंगाल के न होकर के बांग्लादेश से है, लेकिन भाषा बंगाली बांग्ला ही चलती है। और उस बांग्ला भाषा को समाप्त करके उर्दू सबके ऊपर थोपने का प्रयास किया गया, तो आमार सोनार बांग्ला, ये गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर का लिखा हुआ गीत ही बांग्लादेश का राष्ट्रगान आज भी है। तो उस बांग्लादेश में इसके विरुद्ध आंदोलन हुआ, और उस आंदोलन में 21 फरवरी के दिन 1952 में 6 लोगों की मृत्यु हुई, जो गोलीबारी हुई उसमें, और बाकी लोग काफ़ी लोग घायल हुए और काफ़ी लोगों को बंद किया गया। और बाद में 1971 में और उससे पहले 1967-68 से मुक्ति वाहिनी का काम शुरू हुआ, और वो जो सारा आंदोलन हुआ जिससे 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ पाकिस्तान से, उसका मूल कारण बांग्ला भाषा के प्रति उनका प्रेम था और उर्दू का विरोध, यही उसका एक मेन कारण बना। इसलिए ये पृष्ठभूमि बनी। इसलिए वो 21 फरवरी को बांग्ला दिवस के रूप में मनाया जाता था बंगाल में, मतलब बंगाल मतलब जो बांग्लादेश बना बाद में, उस बांग्लादेश में ये बांग्ला दिवस के रूप में मनाया जाता था। 1999 में यूनेस्को में प्रस्ताव आया कि इस भाषा दिवस के रूप में इसको स्वीकार किया जाए। 1999 में स्वीकार हुआ, यूनेस्को में प्रस्ताव पारित हुआ, और 2008 में यूनेस्को ने इसको अंतर्राष्ट्रीय भाषा मातृभाषा दिवस, मदर लैंग्वेज डे, इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे IMLD के रूप में इसको पारित किया 2008 में, और 2008 से ये विश्व में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। मज़ेदार बात ऐसी है कि 1971 में बांग्लादेश अलग होता है, भारतीय शिक्षण मंडल ने 1974 से ही इसको मनाना शुरू कर दिया, और भारतीय शिक्षण मंडल इस मातृभाषा दिवस के रूप में इसे मनाता है। 2008 के बाद वो अंतर्राष्ट्रीय हो गया, तो अपन ने भी अंतर्राष्ट्रीय शब्द को स्वीकार कर लिया। ये इस मातृभाषा दिवस की पृष्ठभूमि है, जिसको संक्षेप में भी बता सकते हैं। अभी मैंने थोड़ा अधिक विस्तार से बताया, किंतु संक्षेप में बता सकते हैं, लेकिन ये हमको समझ में आता है कि भाषा संस्कृति से जुड़ी हुई है, और इसलिए एक ईश्वर को, एक पुस्तक को, एक मजहब को मानने वाले लोग भी, इसलिए दोनों इस्लाम विभाजन हुआ था, इस्लामी बहुसंख्यकता के कारण विभाजन हुआ था, पूर्व पाकिस्तान पश्चिम पाकिस्तान दोनों में इस्लाम बहुसंख्यक था, बांग्लादेश में हिंदुओं की संख्या अधिक थी और पाकिस्तान जो आज है उसमें 9% ही थी, इधर तो लगभग 28-29% तक स्वतंत्रता के समय हिंदू थे, आज दोनों जगह पर दयनीय स्थिति है, इधर 10% से 9% से कम रह गए बांग्लादेश में, और उधर तो मतलब गिनती के लिए 1-1.5% होंगे तो होंगे हिंदू, तो ये स्थिति दोनों जगह बनी है। लेकिन उस समय मजहब क्या, एक मजहब होते हुए भी दोनों साथ में नहीं रह सके क्योंकि भाषा महत्वपूर्ण थी। तो ये भाषा, मातृभाषा कितनी महत्वपूर्ण है ये बताने के लिए ये 21 फरवरी का चयन क्यों हुआ ये बताना हमारे लिए आवश्यक है। यूनेस्को ने 1999 में जब ये सारा काम हुआ तो उस समय उन्होंने एक रिपोर्ट ऑन डाइंग लैंग्वेजेस, विश्व में जो भाषाओं की जो स्थिति थी उन भाषाओं की स्थिति के ऊपर उन्होंने एक और सामग्री बनाना प्रारंभ किया, और वो अभी हर साल हर 10 साल में वो उस रिपोर्ट को लिखते हैं, तो पता चलता है कि 573 भाषाएं ऐसी हैं जो पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। और गत 60 वर्षों में जब से जिसको कहते हैं कि आर्थिक रूप से
फिर एक बार सारे विश्व को बाजार बनाने का प्रयत्न जो शुरू हुआ, उस प्रयत्न के चलते हैं और बड़ी संख्या में हम देखते हैं कि 1960 के बाद में और ये भाषाओं का विलुप्त होना बड़ी तेज़ी से हो रहा है। और इस यूनेस्को की रिपोर्ट ऑन डाइंग लैंग्वेजेस में कहा है कि ये जो वेस्टर्नाइजेशन का प्रभाव सारे विश्व में हुआ, उसके कारण यूरोपीय भाषाएं विश्व में अपने आप पर, पहले फ्रेंच भाषा, फिर स्पैनिश भाषा, पोर्तुगीज भाषा, और सबसे अंत में आई किंतु जिसने सर्वाधिक भाषाओं की मृत्यु का कारण बनी वो अंग्रेजी भाषा, ये स्थानीय भाषाओं के मृत्यु का कारण बनी। जहाँ जहाँ ये लोग गए वहाँ उन्होंने उन वहाँ की भाषाओं को ये किया। ये 7000 भाषाएं बहुत कंजर्वेटिव, जिसको कहना चाहिए बहुत छोटा एक अनुमान है। जो भाषा में कार्य करते हैं उनका कहना है 44,000 से अधिक बोलियों को यदि मिला दिया जाए तो भाषाएं है, 7000 से अधिक तो भारत में ही है। और ये केवल अलग लिपि को भाषा मानने की आग्रह के कारण 7000 के लगभग भाषाओं की बात यूनेस्को के रिपोर्ट में की गई है। किंतु ये विश्व में भी भाषा की स्थिति है कि लगातार भाषाएं और मर रही हैं। एक बहुत सुंदर पुस्तक है जो रशिया का भी जो विभाजन हुआ 1989 में, जब रशिया यूएसएसआर से रशिया बना और रशियन फेडरेशन में से 17 अलग अलग राज्य अलग हुए, यूक्रेन, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे जब अलग हुए, कजाकिस्तान और वो सारा, तो उस समय भी उसका भी आधार भाषा था, उस विभाजन का भी एक बहुत बड़ा आधार भाषा था। एक रसूल हमजादो नाम के लेखक है, रसूल हमजादो, इसका पीपीटी में नाम नहीं दिया है, बाद में आपको भेजने से पहले मैं उसमें डाल दूंगा एक संदर्भ के लिए। उनकी पुस्तक है मेरा दागिस्तान, एक अद्भुत पुस्तक है, हिंदी में अनुवाद उसका उपलब्ध है, दो खंडों में वह पुस्तक है, पार्ट 1 पार्ट 2, मेरा दागिस्तान। यह दागिस्तान भी उसी सेंट्रल मध्य एशिया में है और एक छोटा सा पहाड़ी प्रदेश है। और वहाँ की मैं घटना इसलिए बता रहा हूँ कि बड़ी सुंदर भाषा में इसने, रसूल हमजादो ने, ये बात लिखी है। और उसमें वो लिखता है कि एक बार जब मैं फ्रांस से वापस आया एक कवि सम्मेलन से, तो अपने एक मित्र जो दागिस्तानी मित्र था उसको फ्रांस में मिलने गया पेरिस में, और वापस आते समय उसने कुछ उपहार उसकी माता जी के लिए दिए थे वो लेकर के उसके घर गया। और घर जा कर के उस माँ ने मुझे सब थोड़ा कुछ खाने वाने के लिए दिया। और उसके बाद जब मैंने कहा कि मैं आपके पुत्र से मिलकर के आया हूँ, और उसने कुछ उपाय पूछा कि जब तुम दोनों पेरिस में मिले, विदेश में जब तुम दोनों मिले, तो तुमने किस भाषा में बात की, तो मेरे मुंह से निकला कि हमने रशियन में बात की। तो उसने पूछा क्या तुमने दागिस्तानी में बात नहीं की, तो मैंने कहा नहीं, अब तो वो दागिस्तानी शायद भूल गया होगा, ऐसा सोचकर हमने रशियन में ही बात की। तो ये सुनते ही वो माँ उठ करके अंदर चली गई और अंदर के कमरे में जाकर के कपड़े बदल करके आई। रसूल हमजा तो लिखता है माँ जब बाहर आई तो काले वस्त्रों में थी, और फिर आगे हम जैसे पाठकों को समझ में आए इसलिए लिखता है, दागिस्तान में काले वस्त्र केवल घर में किसी की मृत्यु होने पर ही पहने जाते हैं। जब मैंने माँ को उपहार देने की कोशिश की कि आपके पुत्र ने उपहार भेजा है, माँ ने उपहार लेने से मना कर दिया। जो मातृभाषा को भूल गया वो पुत्र मेरे लिए मर गया। ऐसी अद्भुत बातें, छोटी छोटी बातें उस मेरा दागिस्तान में बहुत सारी है। तो रशिया का भी जो विभाजन हुआ वह भी भाषा के ऊपर हुआ, बांग्लादेश भी भाषा के ऊपर हुआ। इसलिए चॉम्स्की, वो उसने सिद्धांत दिया कि भाषा राष्ट्रवाद का सबसे बड़ा आधार है, और उसी को लेकर के कांग्रेस ने राष्ट्रभाषा आंदोलन किया, जिसके कारण हिंदी को थोपने का प्रयास किया और जिसके कारण भाषा एक विवाद का विद्या भारत में बनी। हम राष्ट्रभाषा केवल हिंदी को नहीं मानते, भारतीय शिक्षण मंडल और पूरे ही राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की परम पूजनीय गुरुजी ने स्थिति को स्पष्ट किया और कहा कि हमारे लिए भारत में बोली लिखी जाने वाली समस्त भाषाएं राष्ट्रभाषा है। हिंदी अथवा संस्कृत को यदि कुछ कहना है तो हम उसे संपर्क भाषा कहेंगे। हमारे संविधान में भी हिंदी को राजभाषा कहा है, ऑफिशियल लैंग्वेज, और वो तो अंग्रेजी भी है संविधान की दृष्टि से, अंग्रेजी भी ऑफिशियल लैंग्वेज है, सेकंड ऑफिशियल लैंग्वेज अंग्रेजी है।
हर राज्य की अपनी अपनी ऑफिशियल लैंग्वेज है, वो राजभाषा है। कॉन्स्टिट्यूशनली भी कोई व्यवस्था नहीं है और भावनात्मक रूप से भी किसी एक भाषा को राष्ट्रभाषा कहना यह लेफ्टिस्ट मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट मानसिकता को स्वीकार करना होगा। बहुभाषी है भारत, तो विविधताओं के अंदर के एकत्व को पहचानने वाली राष्ट्रीयता को, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक राष्ट्रीयता को मानता है। इसलिए हमारे मुख से कभी भी राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी का नाम नहीं लिया जाना चाहिए। और इसलिए हम राष्ट्रभाषा, और अभी तो हमने मातृभाषा भी शब्द प्रयोग करना कम कर दिया, हम तो भारतीय भाषा शब्द प्रयोग करते हैं, भारतीय। और उसका परिणाम क्या होता है, इसके लिए ये दो तख्ते मैंने आपके सामने दिए हैं। जीडीपी रैंकिंग के, आजकल सारी बात ही जीडीपी रैंकिंग से होती है ना, तो दुनिया में सर्वाधिक जीडीपी वाले 20 देशों के मैंने यहाँ पर चित्र दिए और केवल एक पीला है उसमें, छठे नंबर पर भारत, जो छठे नंबर पर है किंतु वही एकमात्र देश है जो विदेशी भाषा में शिक्षा देता है, उच्च शिक्षा और प्राथमिक शिक्षा भी अभी कई जगह पर, बाकी सारे में शिक्षा देते, इसलिए जीडीपी के टॉप जीडीपी में। और दूसरे जो सबसे नीचे वाले 20 देशों की भी स्थिति मैंने बताई, 175 से 194 तक के बॉटम जीडीपी वाले देश, जिनका जीडीपी एकदम तुच्छ है, निग्लिजिबल है, वो भाषा में शिक्षा देते हैं, कुछ अंग्रेजी में, कुछ फ्रेंच में, कुछ स्पेनिश में, लेकिन उनकी नहीं मिलती। तो अंग्रेजी में पढ़ो, अमीर बनना है तो मातृभाषा में पढ़ो, से उसका संबंध है, वह हमारे सामने दिखाई देता है। भारत में भी एंगस मेडिसन का, जिसका उदाहरण मैं बार बार देता हूं, उसने कहा 15वीं शताब्दी तक भारत विश्व में 40 से 66% तक जीडीपी का योगदान करता था। 1835 में भारत में भारतीय भाषाओं की शिक्षा बंद होने से पूर्व तक हमारा योगदान 23% था, और जब से अंग्रेजी शिक्षा भारत में आई तब से हमारा योगदान 2% रह गया। ये हमारी आज स्थिति है। इसलिए हम यदि ये 2.6 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी यहाँ पर जो दिख रही है, 2020 के आंकड़े हैं ये थोड़ा अभी 3 ट्रिलियन डॉलर तक भारत का भी पहुँच गया और 28 ट्रिलियन डॉलर का यूनाइटेड स्टेट्स का पहुँच गया, चाइना 20 के आसपास पहुँच गया है, लेकिन ये 20 तक के कन्फर्म आंकड़े थे इसलिए मैंने वही लिए। 21 के आंकड़े अभी कन्फर्म होने हैं, मार्च में फाइनलाइज होंगे, इसलिए 21 के आंकड़े मैंने नहीं दिए, इसलिए 20 के आंकड़े ही मैंने दिए हैं। लेकिन ये भारत यदि आज इसके दुगनी 5 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का जो स्वप्न लेकर के चल रहा है, तो उसके लिए एनईपी में जो भारतीय भाषा में उच्च शिक्षा की बात की और जिसका प्रारंभ गत वर्ष 29 जुलाई 2021 को प्रधानमंत्री जी ने 14 संस्थानों की घोषणा की और जो अभी बढ़कर के 56 संस्थान हो गए, जहाँ पर इंजीनियरिंग सहित अन्य उच्च शिक्षा भारतीय भाषाओं में देने का प्रावधान हुआ, ये हमारे इकोनॉमिक्स को आगे बढ़ाया। क्योंकि जब तक हम अपनी भाषा में पढ़ते थे तब तक हम विश्व में अग्रणी थे, समृद्ध थे, सोने की चिड़िया थे, जब से हमने विदेशी भाषा स्वीकार की तब से हम भिखारी हो गए। दूसरा जो आजकल जिसका महत्वपूर्ण विषय चलता है, इसलिए ये संबंध है, नालंदा तक्षशिला जब तक संपन्न थे तब तक भारत संपन्न था, जहाँ ज्ञान संपन्न होता है वहीं समृद्धि होती है, इसलिए सरस्वती के पीछे लक्ष्मी चलती है, यह बात हमको समझनी चाहिए। और आजकल सरस्वती को नापने का एक परिमाण जो है वह परिमाण है पेटेंट रजिस्ट्रेशन, जो कितने होते हैं, बौद्धिक संपदा के पंजीयन में कितने एप्लीकेशन दिए जाते हैं। तो आप देख सकते हैं जो देश बौद्धिक संपदा के एप्लीकेशन में ऊंचाई पर है वही देश उधर जीडीपी में भी ऊंचाई पर हमको दिखाई देते हैं, दोनों का संबंध है। और चीन सबसे नंबर वन है, तो चीन में सारी शिक्षा मैंडरिन में होती है, चीन में आपको मेडिकल की शिक्षा भी मैंडरिन में मिलेगी। छोटे से देश है, इजराइल जैसा छोटा सा देश है, लेकिन शिक्षा सारी अपनी भारतीय भाषा। यूक्रेन है, फ्रांस है, टर्की है, छोटे छोटे देश है, भारत से बहुत छोटे देश है, जो देश अपने अपने मातृभाषा में शिक्षा देते हैं, तो उनकी पेटेंट की स्थिति जो हम देख सकते हैं, भारत 8वें पायदान पर है, उसके ऊपर जितने हैं 7 के 7, वो सातों के सातों यह अपनी मातृभाषा में शिक्षा देने वाले देश है, जिनकी पेटेंट की संख्या हमसे कई गुना अधिक है। आप देख सकते हैं हमारे जो एप्लीकेशन है वो मात्र 20,000 है, 19,454, और चाइना के 1,24,568।
तो आप देख सकते हैं कि जो मातृभाषा, यूएसए अंग्रेजी में पढ़ाता है लेकिन उसकी अंग्रेजी उसकी मातृभाषा है, इसलिए वो भी 2,85,000 तक है, वो 12 लाख है चाइना, हमारा केवल मात्र 20,000 है, 19,000, वो 20 भी नहीं, 19,500 है। तो इसका एक महत्वपूर्ण कारण है कि हम अंग्रेजी के बहुत ज़्यादा उच्च शिक्षा में, खास करके अंग्रेजी को बहुत ज़्यादा साइंस टेक्नोलॉजी में, महाराष्ट्र में 7वीं के बाद में साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप मराठी में नहीं पढ़ सकते, 8वीं के बाद अंग्रेजी में ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी पढ़नी पड़ती है, लगभग अनेक राज्यों में ऐसा अभी हो गया है। और इसी का कारण है कि हम पेटेंट में पीछे, इसीलिए हम रोते हैं कि नोबेल पुरस्कार किसी को नहीं मिलता, इसीलिए हम रोते हैं कि नई नई खोजों में हम पीछे रह जाते हैं। जुगाड़ टेक्नोलॉजी करने वाला देश पेटेंट में कैसे पीछे रह सकता है? हमारे गांव-गांव के लोग बहुत अच्छी अच्छी खोजें करते हैं किंतु वो अपनी भाषा में करते हैं और उस भाषा में पेटेंट के एप्लीकेशन भरने की सुविधा हमने नहीं दी है। यदि हम भारत की सभी 22 भाषाओं में पेटेंट एप्लीकेशन की सुविधा दे दे तो भारत चाइना वाइना को तो कहीं का नहीं छोड़ेगा। इतने नवाचार और इतने नवोन्मेष भारत में होते हैं, केवल भाषा उसकी बाधा बनी हुई है। इसलिए ये दो आंकड़े आजकल की नई पीढ़ी को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और ये भी स्थिति आप देख लीजिए, 200 साल से, 1835 से हम लगातार है। मैकॉले ने 1835 में जब भारत में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट किया और उसके बाद संस्कृत और उर्दू की शिक्षा भारत में लगभग बैन सी कर दी, बंद कर दी, उसके बाद से हमारा जीडीपी वगैरह तो कम हुआ ही है, उसके बावजूद 2011 का जो जनसंख्या हुई, उस जनसंख्या में, जनगणना में मात्र 11.67, 10.67 लोगों ने ही केवल कहा कि हम अंग्रेजी बोल सकते हैं। और ये भी उन्होंने कहा, जिन्होंने कहा हम अंग्रेजी बोल सकते हैं उनमें से कितने बोल सकते हैं ये भी देखना चाहिए। और तो 2018 उस सर्वेक्षण में, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के साथ जो सर्वेक्षण हुआ, उस सर्वेक्षण में जितना सैंपल उन्होंने लिया था, और इसकी जानकारी और डिटेल में लेनी पड़ेगी कितना सैंपल था क्या था, उसमें से केवल 6% लोगों ने माना कि उनको अंग्रेजी बोलना आता है। 200 साल तक लगातार आप अंग्रेजी को बढ़ावा दे रहे हो, उसके बाद भी 90% 89% 89% भारत और आप फिर भी अंग्रेजी का बड़प्पन बनाए रखना चाहते हैं। यह भारत के विकास में, भारत की प्रगति में, शिक्षा की प्रगति में सबसे बड़ा अवरोध है। मातृभाषा दिवस पर ये फ्लैग करना बहुत आवश्यक है। हमको अपने चारों तरफ अंग्रेजी स्कूलों का बोलबाला देख करके लगता है कि बहुत लोगों ने अंग्रेजी सीख ली, बहुत लोगों ने अंग्रेजी सीख ली, लेकिन वास्तविकता ये है कि आज भी इतना अंग्रेजी पर भरमार होने के बाद भी अंग्रेजी की स्थिति बहुत कमजोर है। ऐसा नहीं होता तो एयरटेल और गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे कमर्शियल, पूरी तरह से व्यापारिक संस्थान भारतीय भाषाओं में टाइपिंग की सुविधा नहीं देते। यदि अंग्रेजी भारत के लोगों को आ रही होती तो उनको पता है पैसा तो पंजाबी में मिलेगा, पैसा तो उर्दू तेलुगु में मिलेगा, पैसा तो बांग्ला में मिलेगा, पैसा तो उड़िया में मिलेगा। इसलिए करोड़ों रुपए का इन्वेस्टमेंट करके एयरटेल ने भारतीय भाषाओं में मैसेजिंग की व्यवस्था साधा आए थे तब शुरू की थी, और बाद में जब गूगल टाइपिंग टूल आ गया उसके बाद तो आरे न्यारे, उसके बाद देखो भारतीयों की क्रिएटिविटी कितनी बढ़ गई। जब फेसबुक और व्हाट्सएप और सभी सोशल मीडिया पे हम अपनी भाषा में, अपनी लिपि में लिख सकने लगे, उसके बाद लोगों को पता है इसमें पैसा है, मार्केटिंग इसमें है। यदि अंग्रेजी में पैसा होता तो इन भारतीय भाषाओं में वो क्यों इन्वेस्ट करते? इसलिए आपको इस बात को समझना चाहिए और इस बात को आगे बढ़ो, उसी में पैसा है, उसी में धन है। ये शिक्षा नीति में इस बात को समझा गया, और जो बिंदु दिए हैं, दोज हु डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी स्क्रिप्ट दे शुड नोट द पॉइंट्स, पॉइंट नंबर आर गिवन हियर, पॉइंट नंबर 22.9 to 11, पॉइंट नंबर 4.11, पॉइंट नंबर 4.7, ये सारी दीज पॉइंट्स आर इन द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी, टॉक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ भारतीय लैंग्वेजेस। 3 words have been used in NEP: भारतीय oblique regional oblique local regional oblique mother tongue, ऐसे 3 भाषाओं का उन्होंने शब्द प्रयोग किया है। हमने उसके लिए शब्द प्रयोग भारतीय शिक्षण मंडल में, हम सबको मिलाकर के शब्द प्रयोग करते हैं भारतीय भाषा, ये हमारा सारा शब्द प्रयोग है।
इसलिए हम इसे भारतीय भाषाओं के रूप में देते हैं। उस एनईपी में के प्रावधान को ढंग से पढ़ करके करना चाहिए। हम कई वर्षों से संघ के भी प्रतिनिधि सभा में प्रस्ताव पारित हुआ, भारतीय शिक्षण मंडल में 2 बार प्रस्ताव पारित हुआ, मातृभाषा में शिक्षा, यह प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दी जाए, संविधान में लिखा है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है, जो हमारे सरकार को करने के लिए करणीय बिंदु संविधान में लिखे गए हैं, उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, जिसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड भी एक है, अभी चर्चा का विषय इसलिए बता देता हूं, संविधान ठीक है, इसलिए ये किसी पार्टी की मांग नहीं है, ये भारत के संविधानकर्ताओं ने कहा है। वैसे उन संविधानकर्ताओं ने कहा है कि मातृभाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। संविधानकर्ताओं की अपेक्षा थी कि 15 साल में देश में से अंग्रेजी चली जाएगी, संविधान में लिखा Constitution. The constitutional clearly says English should remain official language for 15 years. यानी 1950 से 15 साल, यानी 1965 में अंग्रेजी समाप्त हो जानी चाहिए थी भारत में। यह संविधानकर्ताओं की मंशा है। हम बाबा साहेब अंबेडकर और अन्य सभी संविधानकर्ताओं के मानस के विरुद्ध करके बैठे, और यह बहुत वालों को ज्यादा आगे बढ़ता है। अभी हम आगे देखेंगे साइंटिफिकली रिसर्च के आधार पर, शास्त्रीय अनुसंधान के द्वारा यह सिद्ध हुआ है कि भारतीय भाषाओं में या मातृभाषा में, विश्व भर में हुआ, इसलिए केवल भारतीय नहीं, मातृभाषाओं में शिक्षा से कितना बड़ा लाभ होता है। भारतीय शिक्षण मंडल ने अनुसंधान किया, हमारी जो कानपुर प्रांत है उस कानपुर प्रांत ने 2011 से लेकर 2014 तक लगातार 5 वर्ष 11, 12, 13, 14 IIT कानपुर में प्रवेश लेने वाले छात्रों का सर्वेक्षण किया, और उन सर्वेक्षण में पाया कि 80% से अधिक छात्र ऐसे थे जिनको IIT में प्रवेश मिलता है। आप अपने अपने प्रांतों में करके देखिएगा, अभी IIT के IIT JEE की परीक्षा होगी, उसके बाद सिलेक्ट होकर के जब एडमिशन होंगे तो उस समय जाकर के ये सर्वेक्षण कीजिए। में सिलेक्ट होने वाले छात्रों में, सफल होने वाले छात्रों में 80% छात्र ऐसे होते हैं जिनकी प्राथमिक शिक्षा भारतीय भाषा में हुई। नॉन CBSE नॉन इंग्लिश मीडियम स्कूलों से 80% से अधिक छात्र IIT में चयनित हुए। इसलिए बहुत में पहली है कि बचपन से बच्चे को अंग्रेजी माध्यम में डालो और उसका सत्यानाश करो ताकि अच्छी नौकरी मिले। यह बहुत बड़ी एक भ्रम है, जिस भ्रम को मातृभाषा दिवस पर संधान के साथ में हमको सिद्ध करना चाहिए कि ये कितना गलत है। इसलिए ये सारे बिंदु, तो बाकी के बिंदु तो आपको ध्यान में है ही, इसलिए मैं उनको पढ़ नहीं रहा हूं, आप तो पढ़ ही रहे हैं PPT में। ये वैज्ञानिक दृष्टि से सिद्ध हुआ। इतना ही नहीं, जे ये जो ये बाकी के जो है, ये शास्त्रीय अनुसंधान साइंटिफिक रिसर्च, ये सैंपल सर्वे और सर्वेक्षण के आधार पर स्टैटिस्टिकल रिसर्च ज़्यादा है, जो ये मैंने बताया। जैसे IIT में 80% से अधिक चयन भी है, स्टैटिस्टिकल रिसर्च है। जब 125 प्रवेश हुए थे उसमें से 84 ऐसे थे कि जिन्होंने मातृभाषा में शिक्षा ली थी। जब 131 प्रवेश थे तब 93 ऐसे थे। मैं अपना भारतीय शिक्षण मंडल का सर्वेक्षण, जो हमने बहुत बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर के और उसको सबके सामने रखते थे, पहले साल लोगों ने विश्वास नहीं किया 2011 में, तो 2012 में हमने 94.5 बच्चों को अपनी अपनी मातृभाषा में पढ़ करके IIT में सिलेक्ट हुए थे उनको खड़ा कर दिया, और अखबार वालों ने उनकी बाइट्स ली और उनसे ये किया, समाचार पत्रों ने, और सबको आश्चर्य हुआ। और हमको तो लगता था IIT में जाना है तो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ेगा वही IIT में ज़्यादा सिलेक्ट हो पाएगा, लेकिन वास्तविकता उल्टी है। जब तो उन प्रोफेसर ने कहा यही बच्चे आगे जाकर के टॉप भी करते हैं, क्योंकि संकल्पना स्पष्टीकरण कंसेप्चुअल क्लैरिटी केवल मातृभाषा में ही हो सकती है। इसलिए मातृभाषा में जो पढ़ता है वो IIT में चयन होने का या जीवन में सफल होने का उसका अवसर अधिक होता है। IAS की भी यही स्थिति है और बड़े बड़े वैज्ञानिकों की भी वही स्थिति है। आप किसी भी बड़े वैज्ञानिक से बात कीजिए, और इसरो में जो लीड कर रहे हैं उन वैज्ञानिकों से बात कीजिए, उनमें से अधिकतर सरकारी स्कूल में और अपनी भारतीय भाषाओं के माध्यम से पढ़े हुए लोग हैं। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि हम इसके तरफ ध्यान दें। इसका वैज्ञानिक पक्ष भी, मैंने कहा ना, जब गूगल स्कॉलर पे मैंने डाला लर्निंग एंड लैंग्वेज, लैंग्वेज लर्निंग, तो 38,000 से अधिक शोध पत्र 0.14 सेकंड में गूगल स्कॉलर ने मेरे को दिखा दिए। रिसर्च गेट के भी उसकी संख्या ऐसी 34,000 कुछ थी।
जब मैंने लैंग्वेज सेंटर जो ऊपर चोम्स्की थ्योरी मैंने दी है, नोम चोम्स्की तो एक बहुत बड़ा, अभी भी उसने कुछ विवादित भारत के बारे में ये दिया है, बहुत बड़ा लेफ्टिस्ट और विचारक है, लेकिन उसने सिद्धांत दिया कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है और एक यूनिवर्सल ग्रामर होता है जिसके द्वारा और भाषा सीखते हैं हम, विविधता भरी भाषाएं सीख सकते हैं। ये तो न्यूरोलॉजिकल रिसर्च में सिद्ध हुआ है कि गर्भ के छठे सप्ताह से हम भाषा सीखना शुरू करते हैं, इसलिए हम सारे अभिमन्यु हैं, हमने माँ के गर्भ में छठे सप्ताह से भाषा सीखना शुरू किया, इसलिए मातृभाषा कहते हैं। आजकल तो बहुत सारे टू स्टेट वाले विवाह होने लगे, पिता पंजाबी और माँ मद्रासी, तो मातृभाषा क्या होगी, ये तो आजकल बहुत बड़ा प्रश्न है। जिस समय मातृभाषा में शिक्षा के ऊपर कोर्ट केस हुआ था और सुप्रीम कोर्ट में कर्नाटक वाला केस गया था, तो वहां भी सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रश्न पूछा था कि क्या Why it is mother language? Because it starts में माँ जो विचार करती है उस विचार से हमारी भाषा प्रारंभ हुई, तो उसका ब्रेन सेंटर भी, जिसके चित्र मैंने यहां पर दिए हैं, वो ब्रेन सेंटर भी गर्भ से विकसित होना शुरू हुआ। और दूसरा यूनिवर्सल ग्रामर शुरू हुआ, हमने अपना एक अपना भाषाई व्याकरण बनाया। इसमें मैं अंग्रेजी भी बोलता हूं तो मराठी व्याकरण से बोलता हूं क्योंकि मेरा मराठी में व्याकरण तैयार हुआ है। वैसे ही हम सबका व्याकरण है, जिसको लेकर के इसलिए जब शंकरानंद जी हिंदी में बोलते तो बड़ा मधुर लगता है, क्योंकि वो कई बार कन्नड़ की विविध शब्दावलियों को, मुहावरों को अनुवादित करके हिंदी में बोलते हैं, क्योंकि वो यूनिवर्सल ग्रामर उनकी भाषा में, अपनी मातृभाषा में तैयार होता है। इसलिए कोई भी अब हिंदी भाषी जब हिंदी बोलता है तो उसमें एक अलग माधुर्य आता है, वो माधुर्य का कारण है उसका यूनिवर्सल ग्रामर। लिंग भेद होता है उसमें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उस भाषा में लिंग नहीं है, उस भाषा में वस्तुओं को लिंग नहीं देते। हिंदी एकमात्र ऐसी दुनिया की भाषा है जो वस्तुओं को भी लिंग देती है, जिसमें साइकिल और गाड़ी और स्कूटर और मोटरसाइकिल, इनके अलग अलग लिंग होते हैं, लिंग चलते हैं, इसलिए इट होता है, ही शी इट, ही और शी केवल जीवंत वस्तुओं, जीवंत प्राणियों को और मनुष्यों के लिए इस्तेमाल होता है बाकी भाषाओं में। एकमात्र हिंदी लिंग देती है, जिस कारण से वह हिंदी वो लिंग वो जाता है नहीं आता, क्योंकि उसकी जाता है जाती है के लिए। और यहां हिंदी में आपने दो दो अलग बता दिए, और उसमें भी सब जगह एक जैसा नहीं है, बात होता बात होती है तो पुल्लिंग है, होता है कि होती है, तो हिंदी में भी एक वाक्यता नहीं है। तो ये यूनिवर्सल का वो माधुर्य देता है, इसलिए नवजोत सिंह सिद्धू अंग्रेजी कमेंट्री में फेमस हो गया, क्योंकि वो पंजाबी पंजाबी ग्रामर से अंग्रेजी बोलता था। तो व्हाट माय फादर गोज वाला जो अंग्रेजी था वो बड़ा व्हाट माय फादर गोज, तो वो बड़ा फेमस हो गया ब्रिटिशों के बीच में, उसकी अंग्रेजी फेमस हो गई, क्योंकि वो यूनिवर्सल ग्रामर होता है। ये चोम्स्की का सिद्धांत बड़ा विवादित हुआ, बाद में साइंटिस्ट ने इसको सूडो साइंस कहा, किंतु संस्कृत का को परिपुष्ट करता है यह, अभी इसके ऊपर भी बहुत सारे रिसर्च है। संस्कृत एंड अदर लैंग्वेजेस, फॉरेन लैंग्वेजेस, ऐसा यदि आप गूगल सॉलर में डालोगे तो आपको हजारों ऐसे रिसर्च पेपर मिलेंगे जो ब्रिटेन में, जर्मनी में, फ्रांस में किए गए, जो बताते संस्कृत के कारण जो वाणी का परिष्कार होता है सीखने में सहायता मिलती है, उससे अंग्रेजी सीखने में सहायता मिलती है। और एक बहुत बड़ा विषय चलता है कि लैंग्वेज लर्निंग का मस्तिष्क पर क्या प्रभाव होता है। उसमें दो प्रकार होता है, यूनिलिंगुअल अप्रोच है जिसमें वो कहते हैं एक भाषा लेकर के पढ़ाओ तो मस्तिष्क का अच्छा विकास होगा, दूसरा कहता है कि मल्टीलिंगुअल होना चाहिए, बहुभाषा मूल रूप में मातृभाषा है, ये बहुभाषीयता ही हमारे मूल में संस्कृत और मातृभाषा रहे केंद्र में, और कि जितनी भाषाएं सिखाओ, हमारे अशोक ठाकुर जी जो शालेय प्रकल्प की राष्ट्रीय टोली में है और दिल्ली में मुनि इंटरनेशनल स्कूल चलाते हैं, अपने विद्यालय में 16 भाषाएं सिखाते हैं बच्चों को, हर वर्ष में एक विदेशी भाषा और एक भारतीय भाषा उनकी मातृभाषा के अतिरिक्त सिखाई जाती है, स्पैनिश, जर्मन, जापानीज,
फ्रेंच, ये सारी भाषाएं उनके बच्चे 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं के बच्चे बोलते हैं, और उसके साथ साथ बांग्ला तेलुगु कन्नड़ भी सीखते हैं हिंदी के साथ साथ। तो एक एक बच्चा 12-12 भाषाएं सीखता है। हमारे दत्तराज जी बैठे हैं, 6-7 भाषाएं बहुत अच्छे से बोल लेते हैं। जिसका संस्कृत ठीक होता है वो बहुभाषी हो सकता है। दोनों अप्रोचेस में, मतलब चाहे आप यूनिलिंगुअल अप्रोच भी लोगे तो भी मातृभाषा महत्वपूर्ण है, और बहुभाषा होता है। अपने घर घर में देख रहे, आज हमारे बच्चे जो अंग्रेजी मीडियम में पढ़ते हैं बचपन से, उनको कोई भाषा ढंग से नहीं आती, ना अंग्रेजी ढंग से आती है, ना मातृभाषा ढंग से आती है, ना हिंदी ढंग से आती है। क्यों? क्योंकि उनका यूनिवर्सल ग्रामर ही गड़बड़ हो गया। घर में कुछ और सुनते हैं, विद्यालय में कुछ और पढ़ते हैं, और सारा गड़बड़ होता है। डेवलप हो रहे होते भाषा केंद्र के भी, तो इसलिए उस समय आप मातृभाषा में यदि शिक्षा देंगे तो वह आगे चल करके बहुत प्रभावी होगी। अंतिम स्लाइड है, इसके बाद में मुझे कहा गया था 7:45 पे 46 हो गए, प्रश्नोत्तर अपन शुरू करेंगे, 1 मिनट अतिरिक्त तो हो गया। इनका ये है, लेकिन और अनेक करणीय बिंदु इसमें और जोड़े जा सकते हैं। ये केवल सुझाव के रूप में कुछ एक्शन पॉइंट्स है जो हम मातृभाषा दिवस में सब लोगों के सामने रख सकते हैं, अन्य और भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। क्योंकि ये पहला वाला विषय इसलिए लिया कि जब इंजीनियरिंग और मेडिकल को भारतीय भाषाओं में लेने की बात हुई तो सबसे पहले लोग सामने विषय रखते हैं कि पाठ्यपुस्तक कहाँ है, पाठ्यपुस्तक तो अंग्रेजी में ही है, और इसलिए फिर सरकार कहती है कि हम पहले ट्रांसलेशन में करेंगे। हरियाणा सरकार में उन्होंने कहा हम 40 करोड़ रुपए ट्रांसलेशन के लिए दिया। तो मैंने उस आईएएस अधिकारियों से पूछा, भाई तुम्हारे हिंदी अंग्रेजी में जो इंजीनियरिंग की पुस्तक है वो सरकार ने छापी है क्या? तो बोले नहीं, वो तो पब्लिशर ने छापी है। मैंने कहा जब वो पब्लिशर ने छापी है तो हिंदी वाली सरकार क्यों छाप रही है? हिंदी वाली भी पब्लिशर छापेगा, ट्रांसलेट भी पब्लिशर करेगा, सरकार क्यों खर्चा कर रही है? और जब शिक्षकों से बात करता हूँ तब मैं शिक्षकों को कहता हूँ कि ट्रांसलेशन भी करने की, अनुवाद करने की भी क्या आवश्यकता है? आप 40 वर्षों से फिजिक्स पढ़ा रहे हो, आज 20-25 वर्षों से गणित पढ़ा रहे हो, आप गणित की पाठ्य पुस्तक अपनी भाषा में नहीं लिख सकते? मराठी में, गुजराती में, हिंदी में, अंग्रेजी में, पंजाबी में पाठ्य पुस्तकें कौन लिखेगा, संदर्भ पुस्तकें कौन लिखेगा? इसलिए ये बहुत बड़ा एक करणीय कार्य है जो संकल्प मातृभाषा दिवस पे हम ले सकते हैं। पूरे में अनुवाद कभी भी मूल करना आवश्यक है। भारतीय भाषाओं में कैसे हो, भारतीय ज्ञान करण पर अनुसंधान भारतीय भाषा में कैसे हो, और सबसे महत्वपूर्ण संस्कृत का से फ्रेंच भी और अंग्रेजी भी यदि आपको ढंग से सीखने, तो आप संस्कृत एक बार सीख लीजिए तो आपको फ्रेंच के उच्चारण भी ठीक से कर पाएंगे, क्योंकि फ्रेंच के बड़े कठिन उच्चारण होते हैं। लिखा कुछ जाता है और बोलते कुछ है, वो उसका उच्चारण जो एक बहुत अच्छे पत्रकार जो बहुत वर्षों से भारत में रह रहे फ्रेंच पत्रकार, उनका स्पेलिंग अंग्रेजी में फ्रैंकोइस गॉटेयर है। हम में से कई लोग फ्रैंकोइस गॉटेयर ही बोलते थे। जब विवेकानंद इंटरनेशनल फाउंडेशन में उनको भाषण के लिए बुलाया, तब उनको मैंने संचालन मुझे करना था तो पहले मैंने उनको पूछ लिया, भाई आप फ्रेंच हो तो एक बार ढंग से बता दो आपका उच्चारण क्या है। तब उन्होंने उच्चारण बताया, जिनका जिनका स्पेलिंग COISE फ्रैंकोइज है, FRANCOISE, उस व्यक्ति का उच्चारण है फ्रांसवा फ्रांसवा, और GAUTIER उसको जिसको गॉटेर गॉटेर में पढ़ता था, और जागरण गॉटेर छापता भी है आज भी उनके लेख में, उसका फ्रेंच उच्चारण है गॉते फ्रांसवा। जब मैंने संचालन में उनके नाम का उच्चारण किया, बाद में उन्होंने आकर के मेरी पीठ थपथपाई, हाउ कुड यू प्रोनाउंस इट सो क्लियरली। मैंने उनको कहा यह संस्कृत का प्रभाव है कि मैं फ्रेंच को ठीक से बोल पाया। इसलिए संस्कृत अध्ययन से इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। ये आज के जो विषय बिंदु है वो मैंने आपके सामने रखे। किसी को कुछ प्रश्न पूछना है या जोड़ना है तो बता सकते हैं। एक विरुद्ध भारतीय भाषा ऐसा स्वरूप अपने बातचीत में नहीं आए। हम अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे, हम अपनी भाषाओं का बढ़ावा दे रहे हैं। हम अंग्रेजी की अंग्रेजी के नहीं हो सकता, इस दादागिरी का विरोध कर रहे हैं, अंग्रेजी का विरोध नहीं कर रहे। मैं अपने सारे कार्यकर्ताओं को कहता हूं अच्छे से अंग्रेजी सीखो। हमने अच्छे से अंग्रेजी सीखी, अच्छे से अंग्रेजी बोलते हैं,
नहीं आती, इसलिए न्यूनगंड से अंग्रेजी का विरोध करना ये नहीं चलेगा. नॉट विद द इन्फेरियोरिटी कॉम्प्लेक्स दैट आई डोंट नो इंग्लिश दैट्स व्हाई आई एम अपोजिंग इंग्लिश, ये नहीं होना चाहिए. आई नो मदर लैंग्वेज इज मोर इंपॉर्टेंट एंड हेंस मदर लैंग्वेज शुड बी गिवन मोर इंपॉर्टेंस. ये अंग्रेजी में भी बोलना आना चाहिए.